फिर मैं बंदा नवाजी पेश करूंगा। तो क्या हुआ
कि हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने पहले हक़ बंदगी पेश किया, अस्लिम अपना आप मेरे हवाले कर दे। और एक झलक हम इसकी भी देखते हैं, अल्लाह पाक फरमाते हैं अस्लिम इब्राहिम अपना आप मेरे हवाले कर दे। मैंने पिछला मज़मून जहाँ से छोड़ा था कि जब आपकी कौम तबाह हो गई, मछलियों का अजाब आ गया, 750 साल तक नमरूद जो है 850 साल की उम्र पाने वाला नमरूद 450 साल उस मच्छर के अजाब में मुबतला रहा और उसकी कौम उसके सामने तड़प तड़प कर मर गई। वो कहने लगी तू कैसा रब है कि हमारे ये छोटा सा जो जानवर कीड़ा है इससे हमारी जान नहीं छुड़ा सकता। तो वो खुद भी बेहदायता रहा, 450 साल कौम भी मर गई, उसे हदायत नहीं मिली, उसको भी हदायत ना मिली कि जिस मच्छर का मैं मुकाबला नहीं कर सकता तो उस मच्छर का पालने वाला कोई रब है। दिलों पर उनके कानों पर उनकी नजरों पर मोहर लग गई थी कुफर की। तो फरमाया हदायत कहाँ से आती, तो वो बेहदायता दुनिया से चला गया। इब्राहिम अलैहिस्सलाम उस बस्ती को छोड़कर फलस्तीन की तरफ तशरीफ फरमा हुए और वहाँ आपकी शादी जो है हज़रत सारा सलामुल्लाह अलैहा उनसे हुई। हज़रत सारा से जब शादी हुई तो फिर उस वक्त ये दो ही हस्तियाँ थी जब जो कलमा तौहीद पढ़ते थे, दो हस्तियाँ थी। फिर हज़रत लूत अलैहिस्सलाम उनका जो है वक़्त आया और वो भी हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के साथ आ मिले। जब उनकी कौम को भी अज़ाब हुआ तो वो भी हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के पास आ गए। ये तीन हस्तियाँ हो गई। फिर एक तवील वाकया है कि हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम अपनी ज़ौजा पाक हज़रत सारा के साथ जो है वो एक इलाके में गए तो वहाँ जो है वो वहाँ के बादशाह ने आपको अपनी लौंडी हाजरा वो अता फरमाई। तो हज़रत सारा सलामुल्लाह अलैहा आपके हाँ को बुलाते ना थी तो ये चार बंदे हो गए जो कलमा तौहीद पढ़ते थे, अल्लाह पर ईमान लाते थे, पूरी दुनिया पर कुफर था, कोई चीज नहीं थी। तो ये चार बंदे थे। हजरत सारा ने अर्ज की हजूर बात यह है कि हमारी कोई औलाद ने आप हजरत हाजरा से निकाह फरमाए, हो सकता है अल्लाह ताला औलाद अता फरमाए। हजरत सारा सलामुल्लाह अलैहा बड़ी खूबसूरत थी लेकिन औलाद की नेमत से महरूम थी। और मुहद्दिसीन किराम लिखते हैं कि हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की दादी थी हजरत सारा, दादी परदादी। और हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को जो हुसन मिला था वो हज़रत सारा की खैरात था, सुभानअल्लाह, आपसे जो हुसन चला था इतनी खूबसूरत थी लेकिन औलाद ना थी। फरमाया कि मेरे ज़ौजे मुकर्रम आप हज़रत हाजरा से निकाह फरमा, हो सकता अल्लाह ताला औलाद ता फरमा। निकाह हुआ अल्लाह ताला ने, जब निकाह हुआ तो हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने फरमाया मुझे औलाद की नेमत और नेक और साले औलाद अता फरमा। अल्लाह पाक ने फरमाया फबशरना बिगुलाम हलीम, ऐ इब्राहिम हम आपको बिशारत देते हैं ऐसे बेटे की जो बड़ा बुद्धबाद साबर होगा, ऐसे बेटे की बिशारत देते हैं और दुनिया कहेगी कि ये साबर है। तो फरमाया कि हम आपको हलीम बुद्धबाद बेटे की तहम्मुल मज़ार बर्दाश्त करने वाला सबर करने वाला और मेरी रजा की यात्र अपनी रजा को कुर्बान करने वाला उसको बेटा था। अल्लाह पाक ने पहले सारे बेटा था फरमा दिया। अब हज़रत सारा की चीख निकल गई, फरमाया या रब्बुल आलमीन मैं इतनी देर से तेरे खलील के साथ तो मुझे औलाद नहीं था फरमाई। अल्लाह पाक ने उनको भी हजरत इसहाक अलैहिस्सलाम की बिशारत था, हज़रत सारा को भी। लेकिन वो 13-14 साल के बाद जब हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम पैदा हुए 13-14 साल के बाद हज़रत सारा ने फरमाया कि ये हज़रत हाजरा हैं, इनका बेटा भी है, तो आप इनको कहीं और जगह मुंतकिल फरमा दें। अल्लाह ताला का हुक्म आ गया, अल्लाह पाक ने फरमाया कि अब ये मामला ये था कि हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम हज़रत सारा उस वक्त 90 साल आपकी उम्र थी, 120 साल, और हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की उम्र मुबारक 90 साल थी, एक में 95 साल भी है। ये जब हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम पैदा हुए और जब हज़रत सारा को जो है वो बिशारत मिली तो वो कुरान पाक के अल्फाज ने आपने इरशाद फरमाया कि मैं तो बूढ़ी हो गई और मेरे हम कैसे औलाद हो सकती है। तो अल्लाह पाक ने फरमाया अल्लाह हर चीज़ पे कादर है, वो जब चाहे किसी को औलाद देते हैं।
तो हम आपको इसहाक की बिशारत देते हैं, उनके बाद हज़रत याकूब की बिशारत देते हैं, और हज़रत याकूब के बाद हज़रत यूसुफ, हज़रत बिन्यामीन, जो भी नबी आएगा वो आपकी औलाद से। सुभान अल्लाह। तो आप हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम की परवरदिगार हैं। तो बाहर ये सिलसिला चला, अल्लाह पाक ने हुक्म फरमाया, पहला वज़ क़ाल लहू रब्बुहु अस्लिम, ऐ मेरे बंदे अपना आप मेरे हवाले कर। इतनी देर के बाद औलाद हुई तो अल्लाह पाक ने फरमाया कि ऐ मेरे खलील, ये हाजरा और इनके साहबजादे जो इतनी देर के बाद हमने आपको अता फरमाए हैं, वो फला फला आबादी है, मक्का उसका नाम है, हत आदम भी वहीं आए, हत लू भी वहीं आए, वहाँ तशरीफ ले जाएं और वहाँ इनको छोड़ आए। हत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने सवारी पर बिठाया इनको मक्का की वो वादी, वहाँ छोड़ आए। थोड़ा सा दूध है जो इनके पास है या माँ का दूध है, थोड़ी सी खजूरें, हज़रत हाजरा सलामुल्लाह अलैहा जब हज़रत इब्राहिम वापस जाने लगे ना, तो आपने फरमाया कि मेरे ज़ौजे मुकर्रम हमें कहाँ छोड़ कर जा रहे हैं, वहाँ खाना कबा मौजूद नहीं था, टीला था वहाँ पे। अल्लाह पाक ने इरशाद फरमाया कि ये टीला है और यही वो घर है जिसे आपने आबाद करना है, तामीर करना है, उस वक्त वो चीज़ मौजूद नहीं थी। तो आपने, और जहाँ जमजम का कुआं आज है वहाँ एक दरख्त था, पहले वहाँ कुआं थोड़ी था, तो उस दरख्त के नीचे हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने छोड़ा। हज़रत हाजरा चीख पड़ी और कहने लगी कि इब्राहिम, ये बेटा हमें अल्लाह पाक ने आपको इतनी देर बाद अदा किया है, हमें किसके हवाले करके जा रहे हैं। हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने पीछे होकर नहीं देखा। हज़रत हाजरा ने बहुत सवाल किया, आहर एक सवाल आपने फरमाया, इब्राहिम क्या आपके रब ने आपको हुक्म दिया है, आपके रब ने आपको हुक्म दिया है? आपने फरमाया हाँ, मेरे रब ने मुझे हुक्म दिया है। फरमाया इब्राहिम जाएं, हमारा रब हमें जाया नहीं होने वाला। अल्लाह ताला अपने बंदों को जाया नहीं करते, अल्लाह ताला अपने बंदों को बेतौहीरा नहीं करते, बेआसरा नहीं छोड़ते। फरमाया जब रब का हुक्म है तो फिर रब हमें जाया नहीं करेगा। तो हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की आंखों से आंसू छलक पड़े। फरमाया या रब्बुल आलमीन, इस वादी गैर जी जरा जहाँ घास नहीं उगता, पानी नहीं है, यहाँ मैं अपनी औलाद को तेरे हुक्म से आबाद करके जा रहा हूँ। या रब्बुल आलमीन, मेरी औलाद को नमाजी बनाना, इनको अपना सही बंदा बनाना, इन्हें फलों का रिजक देना, और इस घर में इतनी कशिश पैदा कर देना कि क्यामत तक लोग यहाँ आते रहे, क्यामत तक लोग यहाँ आते रहे। ये कहकर आप चले गए। इब्राहिम अलैहिस्सलाम जो है वो फलते रहे, फूलते रहे, परवरिश होती रही। लेकिन बाद का जो वाकया है, अब हज़रत इब्राहिम का तवक्कुल देखें कि वहां जानवर तक नहीं है, वहां घास तक नहीं है, पानी तक नहीं है, लेकिन रब पर तवक्कुल इतना है कि वो जरूर मेरे घर की हिफाजत फरमाएगा, जरूर मेरे खाने को आबाद रखेगा। तो अल्लाह पाक ने क्या बंदोबस्त फरमाया, हज़रत हाजरा सलामुल्लाह अलैहा आपका दूध खत्म हो गया चंद दिन के बाद, जो पास था वो भी खत्म हो गया, जो छाती में था वो भी खुश हो गया। और जाहिर माँ माँ होती है, उसके दिल में एक माँ का जज्बा मौजूद होता है। हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम आपने जब दूध का तलब फरमाया, प्यास लगी, भूख महसूस हुई, तो हज़रत हाजरा सलामुल्लाह अलैहा पास ही पहाड़ियाँ थी सफा और मरवा, ये पहाड़ी ऐसे तो निशानी नहीं बन गई, ये अल्लाह ताला क्या जो है वो आयात ऐसे तो नहीं बन गए। हज़रत इब्राहिम, हज़रत हाजरा सलामुल्लाह अलैहा आप सफा पर चढ़ती कि कोई मुझे इंसान मिल जाए, कोई ना मिलता। फिर जब थोड़ा सा नीचे आती हैं तो जहाँ आज हाजी दौड़ते हैं वहाँ आकर दौड़ती और हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम को देखती कि वो परेशान तो नहीं है। फिर वहाँ सफा मरवा पर चढ़ जाती, वहाँ पहाड़ी पर चढ़ कर देखती, कोई इंसान नजर नहीं आ रहा, फिर वापस आती। तो इसी दौरान सात चक्कर लग गए, इसी दौरान सात चक्कर लग गए। जब सातवां चक्कर लगाने के लिए मरवा की तरफ चढ़ी, कोई बंदा नजर ना आया, तो मरवा पर जब चढ़ गई तो देखा कि बच्चे के पास कुछ आवाजें आ रही हैं, सुन कुछ सनसनाहट है। जब आप मरवा पर चक्कर को लगा बैठी, जो ये फितरतन आपने लगाए थे, लेकिन लगाए क्यों थे, ताकि अल्लाह के नबी को पानी पिला सके, अल्लाह के नबी को खुराक पेश कर सकूं। वो अल्लाह ताला को इतने महबूब लगे कि अल्लाह पाक ने उन्हीं चक्रों को हज का हिस्सा बना दिया। सुभान अल्लाह, बेशक।
حج کا حصہ بنا دیا. تو فرمایا کہ آپ جب واپس تشریف لائیں دیکھا کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے پاس ایک اجنبی مخلوق کھڑی ہے اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کے پاؤں جہاں ایڑیاں ہیں وہاں سے پانی کا چشمہ بھر رہا ہے. پانی کا چشمہ بھر رہا ہے. میں غیر مسلموں کو جو کفار ہیں یا جو نہیں ماننے والے ان کے لیے ایک بہت بڑی دلیل ہے خدا کے ہونے کی کہ دنیا کے دریا خشک ہوتے آئے ہیں, پانی بھی ختم ہوتا آیا ہے. سعودیہ کا ویسے پانی کھاری ہے لیکن اس کنویں کا پانی اس وقت سے لے کر 4500 سال ہو گئے نہ ختم ہوا ہے نہ کم ہوا ہے نہ کھاری ہوا ہے. بے شک. یہ خدا کے ہونے کی کتنی بڑی دلیل ہے, کتنی بڑی دلیل ہے. تو حضرت اسماعیل علیہ السلام کے پاؤں سے اتنی تیز سے وہ چشمہ ابل رہا ہے. حضرت حاجرہ فرماتی ہیں زم زم رک جاؤ رک جاؤ. اللہ زم کو پانی کا نام نہیں ہے, یہ عربی کا محاورہ ہے, اس کا معنی ہے رک جاؤ رک جاؤ. تو پانی رک گیا. آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے فرمایا اگر مائی صاحبہ یہ نہ فرماتی تو آج زم زم کا پانی یہ ساری دنیا کو بہا رہے گا. لیکن وہ رک گیا. اللہ پاک کو وہ لفظ بھی تیرے پسند آئے, فرمایا اس پانی کا نام ہی آب زم زم ہے. سبحان اللہ, آب زم زم ہے. تخصیص ہو گئی نا, وہ چیز خاص ہو جاتی ہے جس کی نسبت اللہ تعالیٰ کے بندوں کے ساتھ ہوتی ہے. وہ انسان خاص ہو جاتا ہے جس کی نسبت خدا کے ساتھ ہوتی ہے. ہمیں اولیاء اللہ سے محبت اس لیے نہیں ہے کہ وہ بندے ہیں, اس لیے اولیاء اللہ سے محبت ہے ان کا تعلق اپنے رب کے ساتھ. وہ چیز جو ان بندوں کے ساتھ مس ہو جاتی ہے ان کو چومتے اس لیے نہیں ہے کہ وہ شوق ہے, نہیں اس لیے ہے کہ چیز کی نسبت اللہ کے بندوں کے ساتھ ہے. ہر پتھر حجر اسود نہیں ہے, ہر پتھر مقام ابراہیم نہیں ہے, ہر پہاڑی صفا و مروہ نہیں ہے, ہر پانی آب زمزم نہیں ہے. تو نسبت کی وجہ سے, تعلق کے خاصہ کی وجہ سے وہ چیز اور انسان خاص ہو جاتی ہے. چنگیاں نے لڑ لگا میری چوری چھوڑ دے, مندیاں نے لڑ لگا میرے بدلے بھی. تو یہ اچھے اچھے جو لوگ ہوتے ہیں, اچھے سنگ کرے تو اچھے لوگوں کے ساتھ مل جاتا ہے وہ بھی اچھا بن جاتا ہے. اچھے لوگوں کے وسیلہ سے گندے لوگ بھی اچھوں میں شمار ہو جاتے ہیں. تو حضرت حاجرہ نے وہ پانی فرمایا زم زم, پانی رک گیا, چشمہ جاری ہو گیا. تو پانی کی زندگی کی علامت ہے. تو فرمایا ابراہیم اسلم, آپ نے فرمایا اسلم, یا اللہ میں نے اپنا گھر تیری. ہاں تو اللہ پاک نے کیا بندہ نوازی فرمائی, اللہ پاک نے یہ بندہ نوازی فرمائی, وہاں پانی جاری کر دیا, اس گھر کو رونق عطا ہوئی, وہاں قبیلہ آباد ہو گیا. جو حضرت حاجرہ کو پانی ان سے لیتا, ان کو ٹیکس دیتا, وہیں سے اس مکہ کی آبادی کا آغاز ہوا. اور مکہ کے شہر کی جو آبادی ہے اس دور سے اس کا آغاز ہوا, جو کہ پہلے وہاں کوئی انسان نہیں, وہاں کوئی انسان نہیں. تو وہاں وہ قبیلہ ایک آ کر آباد ہوا کہ یہاں پانی ہے, یہاں انسان رہتے ہیں. تو حضرت حاجرہ سلام اللہ علیہا کافی دیر وہاں تشریف فرما رہے ہیں. حضرت ابراہیم علیہ السلام کئی دفعہ اللہ کے حکم سے, جب اللہ کا حکم ہو کہ جائیں دیکھ کر تو آپ ملنے آتے, باقی نہیں. لیکن جو دعا آپ نے فرمائی وہ آج بھی نظر آ رہی ہے, یا اللہ اس گھر میں اتنی خیر رکھ دینا کہ لوگ اس سے محبت کرتے ہوئے کھینچے چلے آئے, پھلوں کا رزق دینا. اب دیکھیں کہ وہاں کوئی چیز اگتی نہیں لیکن وہاں ہر چیز پائی جاتی ہے, لوگ کشاں کشاں وہاں جاتے ہیں. ایک دفعہ آگے پھر جی چلے چلو یا پھر چلے آئے پھر جی جاتا ہے پھر چلے. یہ دعا ابراہیمی ہے. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام جب حضرت اسماعیل علیہ السلام 13 سال کے ہو گئے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ابراہیم آشرے اپنا میرے حوالے کرو. یا اللہ کس طرح فرمایا, ایک رات سوئے, رات خواب میں دیکھا کہ میں اپنے بیٹے کو ذبح کر رہا ہوں, میں اپنے بیٹے کو ذبح کر رہا ہوں. یہ کوئی معمولی کام نہیں, حقیقت میں فرشتہ آ جاتا اور کہتا کہ اللہ پاک نے حکم دیا ہے کہ آپ اسماعیل کو ذبح کر دیں. بھائی آ کے ٹھیک ہے, لیکن خواب میں اللہ پاک نے اشارہ فرمایا. اور نبی کا خواب وہی ہوتا ہے اور حقیقت ہوتا ہے. ہمارا خواب زندہ بھی ہو سکتا ہے سچا, لیکن نبی کا خواب سچا ہوتا ہے. لیکن خواب میں کیوں فرمایا, اللہ پاک دکھانا چاہتے تھے کہ میرا نبی اشارہ, اگر ان کو اشارہ بھی کر دیا جائے فرشتے
और किताब में उस हुक्म का जिक्र ना हो, हाम में हुक्म हो, नबी उस पर भी अमल करता है। तो हाम आई ना, पहले दिन जब हाम आई तो हाम को शक गुजरा कि हो सकता है अल्लाह ताला मेरा कोई इम्तिहान ले, आपने 100 ऊंट अल्लाह के नाम कुर्बान कर दिया। दूसरे दिन रात को फिर हाम आई कि मैं अपने बेटे को जिबा कर रहा हूं। फिर आपको यकीन पहचान हो गया, जब पहला दिन शक हुआ उसे योम तरबिया कहते हैं, शक वाला दिन, जब दूसरा दिन आया उसे योम अराफा कहते हैं। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को पहचान हो गई कि ये मुझे हुक्म दिया जा रहा है, लेकिन आपने एहतियातन फिर 100 ऊंट की कुर्बान कर दी। जब तीसरा दिन आया तो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को फिर रात को वही ख्वाब आई कि मैं अपने बेटे को ज़िबह कर रहा हूँ, फिर यकीन हो गया उसे योम नहर कहते, कुर्बानी कर दी। फैसला अटल है, अल्लाह ताला की तरफ से हुक्म है कि मैं अपने बेटे को अल्लाह ताला के हवाले कर। पहली आपसे पहले किसी नबी और रसूल के साथ ऐसा वाकया पेश नहीं आया, न ऐसा हुक्म आया कि खुद अपने हाथों से, लेकिन अल्लाह पाक ने फरमाया कि मैंने जब भी हजरत इब्राहिम से कहा सलीम अपना सब कुछ मेरे हवाले कर दो, तो मिसाल पेश किया की जा रही है। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम के पास तशरीफ लाए और फरमाया बेटा या बुनैया इन्नी अरा फी मनामी अन अस्बाहुका, ऐ मेरे बेटे मैंने ख्वाब में देखा है, मैंने ख्वाब में देखा है, अब रब का हुक्म हो तो नबी के लिए लाजम है, किसी से पूछने की जरूरत ही नहीं, किसी से पूछने की जरूरत नहीं है। लेकिन कुरान पाक ने ये भी तो दिखाना था वो बाप कैसा है वो बेटा कैसा है, जो इशारा हमने दी थी बशरनाहु बिगुलामिन हलीम, ऐ इब्राहिम हम तुम्हें ऐसा बेटा अता करेंगे जो बुद्धिमान होगा, साबर होगा, हलीम होगा, तो इन्नी अरा फिल मनाम अन अस्बा होगा, ऐ मेरे बेटे मैं देखता हूँ ख्वाब में कि मैं तुम्हें ज़िबह कर रहा हूँ, समझो माजा करा, ऐ बेटे तू गौर कर तेरी क्या राय है, समझो माजा करा, ऐ बेटे अब तू बता तेरी क्या राय है। अब बेटे ने ये नहीं फरमाया बजान ये वैसे पहले कभी हुआ नहीं, ये ना ऐसा पहले कभी हुक्म आया है, आप अल्लाह ताला से कलाम कर लें, अल्लाह ताला से पूछ लें, ये ख्वाब ख्वाब होती है, हकीकत का इसके साथ कोई तलक नहीं होता। लेकिन ये फैलाने नजर था या कि मकतब की करामत थी, सिखाए किसने इस्माइल को अदाब फर्जन दी, नबी माँ की पेट में भी नबी होता है, पैदाइश से पहले भी नबी होता है, और उसकी नबूवत अज़ल से लेकर अबद तक और अबद से बाद तक भी वो नबी होता है, नबी नबी होता है। तो हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम आपने फरमाया या अबा तिफ़अल मा तुमर, ऐ मेरे बाप जो हुक्म दिया गया है उस पर अमल करें, जो हुक्म दिया गया है उस पर अमल करें, अल्लाह के हुक्म से अगर अल्लाह ने चाहा तो आप मुझे बेसबरा नहीं पाएंगे, सबर करने वाला फरमाया इंशाअल्लाह अल्लाह के फजल से अगर अल्लाह ने चाहा, अपनी जात की नफी कर रहे हैं मुझे गुमान नहीं, मैं तो दावा नहीं कर रहा कि मैं सबर करूंगा, इंशाअल्लाह अगर अल्लाह ने चाहा तो मैं सबर करने वालों में से होऊंगा। तो हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम अपने बेटे की इस बात से खुश आए, शैतान वहां जोश में आ गया, उसने कहा ये क्या होने लगा, अगर ऐसा हो गया तो मेरा तो सारा काम ही खत्म हो जाएगा और मैं जो है वो जलील ख़ार हो जाऊंगा। उसने दौड़ लगाई हज़रत हाजरा के पास, आपने घर से छुरी ले ली, सब कुछ ले लिया और हज़रत हाजरा से इजाजत लेकर आप मीना के मैदान की तरफ चले गए, वहां तशरीफ ले गए, हज़रत हाजरा के पास पहुंचा, कहने लगा तुम्हें पता है बीबी कि इब्राहिम कहाँ गया है अपने बेटे को लेकर, उन्होंने कहा बकरियां चराने के लिए गए हैं, फरमाया और शैतान कहने लगा बकरियां नहीं, ये इब्राहिम तेरा वो बेटा जो अल्लाह पाक ने तुम्हें दिया है उसको ज़िबह करने के लिए जा रहा है। हाजरा ने हज़रत हाजरा सलाम अल्लाह अलैहा ने ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह अल-अली अज़ीम पढ़ा, फरमाया ऐसा कभी हो नहीं सकता, तू कहां से आ गया, कौन है तू, उसने कहा मैं ठीक कह रहा, तो हज़रत हाजरा पीछे नहीं लौटे, पीछे बागी नहीं है कि मैं रोकूं टोकूं मना करूं तहकीक करूं क्या ऐसा है, तो हज़रत हाजरा ने कहा क्या तू जानता है कि इब्राहिम ये काम खुद कर रहा है या उसके खुदा ने हुक्म दिया है,
इब्राहिम ये खुद कर रहा है या उसके खुदा ने हुक्म दिया है? तो वो अजनबी जो शैतान था उसने कहा उसके रब ने उसे हुक्म दिया है, लेकिन ऐसा कभी होता थोड़ी, मना करो अल्लाह तआला से कोई और चीज मांग लो कि और काम कर ले। ये शैतान वसवसे डालता है इंसान को, हीले तक जो है पेश करता है, कोई बात नहीं अभी आराम हुई है थोड़ा सा आराम कर लो, कोई बात नहीं अभी खुतबा होना है आराम कर लो, कोई बात नहीं अभी अजान दूसरी होनी है आराम कर लो, जब जुमा गुजर जाता है कहता कोई बात नहीं जोहर की नमाज पढ़ लो, वो जोहर भी रह जाती है कहता कोई बात नहीं अगला जुमा है। तो हीले इंसान को पेश करता है। तो फरमाया वो कहने लगा कि उसके रब ने हुक्म दिया है लेकिन आप हीला तो करें। हाजरा ने फरमाया कि नबी याद रख एक इस्माइल नहीं, अगर 100 इस्माइल रब फरमाए कि हम कुर्बान कर दें तो 100 इस्माइल अल्लाह की राह में कुर्बान कर दें। ये वो जोजा मकरमा थी जिनकी सुन्नत को अल्लाह पाक ने सफा मरवा में जारी कर दिया, ऐसे नहीं कि वो नबी की बीवी थी तो इसलिए जारी हो गया, नहीं, नबी की बीवी तो हज़रत लूत अलैहि सलाम की बीवी भी थी जो काफ़रत अज़ाब का अज़ाब उन पर भी आ गया, हज़रत अलैहि सलाम की बीवी वो भी बीवी थी लेकिन बात नहीं मानी वो भी काफ़रत ठहरी। अल्लाह पाक ने फरमाया ना आपका बेटा ना आपकी बीवी या आपकी अहल ही नहीं, तो मानने वाले अहल होते हैं, मानने वाले अहल होते हैं। फरमाया कि 100 इस्माइल भी हो तो उसकी राह पर कुर्बान। असली قال اسلمت لرب العالمين और चीज का सवाल कर लो किसी जानवर के ज़बह करने का कोई और चीज, तो हज़रत इब्राहिम ने पत्थर मारे। फिर हज़रत इस्माइल के पास आया और वालिद के बारे में जो है वो वसवसे डाले, आप पर भी पत्थर मारे। तीसरी दफा उसने मीना वादी के सामने इतना बड़ा अपना एक हयोला सा खड़ा कर दिया, रुकावट पेश करने की कोशिश की कि आगे जा न सकें जहां खुदा ने हुक्म दिया है, तो फिर हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने पत्थर मारे। तो ये तीन सुनते होंगे ना, तीन दफा जहां जहां शैतान ने रोका तो अल्लाह पाक को ये भी अदा बड़ी पसंद आई। अल्लाह पाक ने फरमाया जहां जहां मेरे खलील ने पत्थर मारे तुमने भी मार दिए। हज तो सिर्फ हज है कि यादगार इब्राहिमी अल्लाह के रसूलों की यादगार है, जो काम भी अल्लाह को राजी करने के लिए उन्होंने किया है अल्लाह ताला ने पूरी अफाल को जमा करके हज बना दिया। आओ मेरी इबादत भी करो और मेरे बंदों के काम भी देखो कि किस तरह इश्क व मस्ती में और वायराना मोहब्बत में अपना सब कुछ मेरे रज़ा के लिए कुर्बान कर दिया। आए वो भी थे, आए तुम भी हो, तुम कहाँ होगा। तो फरमाया कि हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम आपने पत्थर मारे, आप कुर्बानी का लम्हा आ गया, बाप बाप होता है, बेटा बेटा होता है। हज़रत इब्राहिम हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि ऐ मेरे बारे में गिरामी नीचे लटा लिया, और नीचे जब लटा लिया तो हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मेरे वालिद अकरम कुछ उल्टा लटा, ऐसा ना हो कि मेरे चेहरे पर आपकी नजर पड़े तो रब के हुक्म में कोई रुकावट आ जाए और कहीं मेरी निगाह आप पर पड़ जाए तो मैं भी सबरा हो जाऊं। रब की रजा पेशे नजर है, वहां भी रब की मदद तलब कर रहे हैं कि अल्लाह ये जो कुर्बानी है ये तेरी तौफीक से है, अब हम कुछ नहीं है। आज खुद ये भी फलसफा कुर्बानी है कि इंसान कुर्बानी करे 5-10 जानवर तो ये कहेगा अल्लाह कि तेरी तौफीक से है, आज हम कुछ भी नहीं, हमारी कोई हसीयत नहीं। तो हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम जब ये जज्बात रख के करेंगे ना तो फिर वो कुर्बानी अल्लाह की बारगाह में कबूल होती है। नहीं अनाद अल्लाह लहुमा बला दिमाउहा बला की जनाबू अत्तकवा के ऐ लोगों ना जानवर का खून आपको पहुंचता है ना गोश्त पहुंचता है, उसे पहुंचता है कि तुम्हारा तकवा पहुंचता है, दिल क्या कह रहा है। तो फरमाया कि आपने फरमाया कि अब्बा जान ये काम करें, आप मुझे ना देखें मैं आपको ना देखूं, आंखों पर पट्टी बांध लें, अल्लाह पाक के फरिश्तों की फिर चीख निकल गए कि यार ये क्या हो रहा है। तो अल्लाह पाक ने फरमाया तुम तो कहते थे कि इंसान को पैदा ना करना, ये फितना फसाद करेगा, ये खून खराबा करेगा, तो उस वक्त मैंने तुम्हें कहा था कि ऐ फरिश्तों जो मैं जानता हूं तुम नहीं जानते, तुमने इंसान की फितरत के मुताबिक बात की है लेकिन जो मेरे बंदे होंगे
जो मेरे होके तुम देखोगे अपनी आवाज औलाद अपना माल अपना घर सब कुछ मेरे राह के लिए कुर्बान कर दें। तुम ऐसे इंसान भी देखोगे जो मेरी नाफरमानी करेंगे, लेकिन ऐसे इंसान भी देखोगे उसकी मिसाल ये है, जाओ इब्राहिम को देखो, अगर चीहा में गिराते हैं वहां गिर जाते हैं, घर को छोड़ने का हुक्म है छोड़ देते हैं, कुर्बानी करने का हुक्म है अब देखो कुर्बान कर रहे हैं। तो हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को हुक्म हुआ कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम को जाकर बशारत दें छुरी चलने से पहले पहले, आपने जब छुरी चलाई तो छुरी गर्दन पर चलती नहीं है, गली में पत्थर था वहां मारी पत्थर दो टुकड़े हो गया, और हदीस पाक में आता है कि आपने पत्थर से पूछा, फरमाया ये क्या बात है, वहां नरम जगह पर चलती नहीं छुरी को आपने जो है वो फरमाया, फरमाया जहां चलती नहीं जाओ नरम जगह है और जो सहज जगह है उसको दो टुकड़े कर दिया, छुरी से आवाज आई अल्लाह के हबीब वहां चलने का हुक्म है वहां चलने का हुक्म नहीं है, गर्दन पर चलने का हुक्म नहीं यहाँ चलने का हुक्म है। तो हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम जब छुरी चला रहे हैं तो हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने फरमाया, आपने फरमाया इब्राहिम कद सदक्त रुया, आपने अल्लाह ताला का वो हुक्म जो हाल के जरिए अल्लाह पाक ने आपको अता फरमाया था आपने उस ख्वाब को सच्चा कर दिखाया, ये है हक की बंदगी कि आपने किस तरह अपना सब कुछ कुर्बान कर दिया, फिर दुआ भी आ गया और हमारी आजमाइश खत्म हो गई, वरना अगर हुक्म होता तो पता नहीं हमें भी अपनी औलाद कुर्बान करना पड़ती, लेकिन अल्लाह पाक ने फरमाया नहीं कुर्बानी वहां भी नहीं कुर्बानी, अल्लाह पाक ने आजमाया था लेकिन उस ख्वाब को सच्चा कर दिया, लेकिन तुमने जो साहबे इस्तेदाद हो जो साहबे ताकत हो तुम अगर तुम्हें ताकत है तो जानवर ज़िबा करना है यूं ही समझो, अगर अल्लाह की रजा के लिए कर रहे हो तो यूं ही समझो जैसे अपनी औलाद अपनी ख्वाहिशात अपनी रजा अल्लाह की रजा के लिए कुर्बान कर रहे हो, स्वाद तो इतना ही मिलेगा। तो ये है फलसफा कुर्बानी के, अल्लाह पाक ने फरमाया बंदे असलम मैंने दुनिया में भेजा है अपना हर चीज मेरे हवाले कर दे अपना हर चीज मेरे सुपुर्द कर दे, तो बंदे का क्या काम है, अस्सलाम तुले रब्बिल आलमीन मैंने हर चीज तेरे हवाले कर दी। अब जब ये मरहला खत्म हुआ ना तो फिर क्या हुआ, फिर बंदा नवाजे शुरू हो गए, अल्लाह पाक ने नामा फरमाए रही ये आजमाइशें खत्म हो गई ये मामला खत्म हो गए, या रब्बल को क्या हुक्म फरमाए, अब मेरे घर की तामीर फरमाए, अब मेरे घर की तामीर फरमाए, अल्लाह का कोई घर नहीं होता, वो घर से पाक है वो मकान से पाक है, लेकिन वो घर चूंकि अल्लाह ताला की अनवार तजल्लियात का मरकज है, किस वजह से कि वहां हजरे अस्वद है वहां जय जन्नत का पत्थर है, तो अल्लाह पाक उस जगह को अपना घर फरमा रहे हैं जहां जन्नत का पत्थर है, तो जहां अल्लाह के नबी तशरीफ फरमा रहे हैं उस घर का क्या मकाम, जहां अल्लाह के बंदे तशरीफ फरमाए उनका मकाम क्या होगा, तो फरमाया मेरे घर की तामीर फरमाए, तो मिस्त्री बन गए मजदूर बन गए, अल्लाह पाक के घर की तामीर फरमाई। अब जब तामीर फरमा रहे हैं तो वो दुआएं तफसीलन कुरान पाक में मुख्तलिफ जगह पर मजकूर है, आपने अल्लाह ताला की हुजूर वो दुआएं मांगी, फरमाया कि अब मैं बंदा हके बंदगी बंदगी अल्लाह पाक ने मेरी कबूल फरमा दी है, चलो मैं अल्लाह से मांग लूँ, आपने मुख्तलिफ दुआएं मांगी, रब्बाना तकब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउ अलीम ये दुआ मांगी, फरमाया फिर एक दुआ आपने ये मांगी या रब्बल आलमीन, जब इस्माइल अलैहि सलाम को देखा कि गारा उठा उठा के दे रहे तो फरमाया या रब्बल आलमीन जी क्या हो बात है, फरमाया या रब्बल आलमीन एक रसूल तेरा आना है जो हम सब का सरदार है जो ये उसकी शान सबसे निराली, या अल्लाह मेरी ख्वाहिश ये है कि या अल्लाह वो मेरी औलाद है मेरी औलाद रब्बना बाबा सुन रसूल है, या अल्लाह मेरी ही औलाद में वो रसूल भेज दे जो लोगों का तजिया करे हिकमत की बातें सिखाए आयात पढ़ाए लोगों को पाक करे, तो अल्लाह पाक ने वो भी दुआ कबूल, जो जो दुआ बंदगी पूरी करने के बाद अल्लाह राजी हो गया, तो अल्लाह ताला से हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने दुआ मांगी, अल्लाह से जो भी मांगा अल्लाह ताला ने क़यामत तक के लिए वो आपको अता फरमा दिया, आपको अता फरमा दिया। और मैंने पहले भी शुरू जुम्मे में आपको कहा था कि हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम से लेकर हजूर तक दरमियान में कोई नबी नहीं, जितने भी नबी आए हैं वो हज़रत सारा सलामुल्लाह अलैहि की औलाद पाक में से हैं, हज़रत इसहाक की औलाद में से हैं, हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम की औलाद में से फ़कत
आका नामदार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़ाते पाक। नबी वहां ज्यादा है, पलड़ा यहाँ भारी है। तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम की ये दुआ भी कबूल हुई। बहरहाल आब ज़मज़म शुरू हो गया, खाना कबा का। फिर जब खाना कबा तमीर हो गया तो फरमाया कि इब्राहिम अब आवाज लगाए, पहाड़ी पर चढ़े और आवाज दें तो आप लोग आपकी तरफ जो है वो आएंगे हज के लिए। या रब्बल आलमीन, पूरी दुनिया में लोग हैं तो कहाँ किस किस को आवाज लगाऊंगा। अल्लाह पाक ने फरमाया आवाज देना आपका काम है, पहुंचा देना मेरा काम है। आप आवाज लगाए, मैं हवाओं को हुक्म दूंगा कि आवाज लोगों तक पहुंचाए। तो जिस जिसने लबैक कहा, जितनी जितनी बार लबैक कहा वो उतनी उतनी बार हर महीने शमीशान जाएगा, वो उतनी उतनी बार। तो बहरहाल अल्लाह ताला ने हमें एक अजीम फलसफा कुर्बानी समझाया कि लोगों ये किसी गुमान में मत रहना, जिंदगी वो है जो मेरे रसूलों ने गुजारी, अंबिया ने गुजारी, उनकी जिंदगियां तुम्हारे लिए मशाले राह हैं। और मेरी तरफ से ये तकाजा तुम्हें सारी जिंदगी मरते दम तक आता रहेगा, ऐ मेरे बंदे असली तुमने क्या कहना, अस्लम तो रब्बिल आलमीन, या अल्लाह हमारी कुर्बानी इन सलात सलाती व नुसुकी व महया व ममात लिल्लाह रब्बिल आलमीन, या रब्बिल आलमीन हमारी कुर्बानी, हमारी नमाज, हमारा जीना मरना सब कुछ तेरे लिए, तुम्हारी तरफ से ये होना चाहिए। दोस्तों बात यह है कि अल्लाह ताला से ये दुआ करनी चाहिए कि अल्लाह ताला हमें यादगार इब्राहिमी को समझने और उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। और ये जो कुर्बानी करते हैं इसका फलसफा ये है कि वो जानवर तो ज़िबा करते हैं, वो खून खुदा को नहीं पहुँचता, वो गोश्त नहीं पहुँचता, हमारे दिल में जो तकवा है उस चीज़ को अल्लाह पाक देखते हैं। तो वह हमारी ख्वाहिशात की कुर्बानी है, हमारे जो है वो अपनी रजा को अल्लाह की रजा के लिए जो है वो कुर्बान करना, उसका वो नमूना है। तो कुर्बानी करें लेकिन इस चीज़ को पेश नजर रख के करें, कोई नमाइश नहीं, कोई नमूद नहीं, कोई रियाकारी नहीं। इसलिए कि हम या हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की सुन्नत को ज़िंदा कर रहे हैं, उस सुन्नत समझ कर करें और अल्लाह ताला के लिए अपना अल्लाह ताला की हुजूर तकवा हासिल करने के लिए, परहेजगारी हासिल करने के लिए कुर्बानी करें। अल्लाह ताला हमें इस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। तमाम अलैना बिल बलाग वा आखिर दुआ अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।